तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर, जो कि है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। देखिए, इसके पहले वाला चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे, उस चैप्टर का नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। और हम लोगों ने उस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं, तो कणों की कौन कौन सी गुण होती है, उसके गुण धर्म के अनुसार हम लोग पदार्थ के हर एक क्रिया प्रक्रिया के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समझा, और ये भी समझा कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पहला ही लेसन में हमने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है, अगर आप मेरे उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसे देख करके फिर ये सेकेंड वीडियो देखिएगा। उसमें हम बताए हैं कि पदार्थ हर वो चीज़ जिसका अपना खुद का भार होता है, जो जहाँ रख दो वहाँ कुछ स्थान घेरता है, और जहाँ रख दो वहाँ किसी दूसरे पदार्थ के लिए रुकावट बन जाए, पदार्थ कहलाता है। तो अब हम उसी पदार्थ के बारे में हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा करके हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए, जो हम लोग पदार्थ हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कि सबसे ज़्यादा हम लोग किचन में या फिर अपने घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस पदार्थ को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वो मानते हैं कि वो कणों से मिल करके बने हैं, लेकिन क्या वो पदार्थ शुद्ध है। इस वीडियो में हम लोग शुद्धता के आधार पर ये जो चैप्टर बना है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, जो भी हम लोग सामान खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर देखिए पदार्थ क्या है, ये हमने पहले चैप्टर में ही हमने इसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, लेकिन घर में उपयोग की जाने वाली दो तीन हमने जो है कि पदार्थों को यहाँ पर हमने लिख दिया है, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। बिल्कुल मैं बुक से अलग हट करके नहीं, बल्कि एकदम बुक का ही एग्जाम्पल लेकर के मैं चल रहा हूँ, और आपको इसी से बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि हम लोग नमक भी इस्तेमाल करते हैं, घी भी इस्तेमाल करते हैं, दूध भी इस्तेमाल करते हैं, घर में हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग बाजार से खरीदने के लिए जाते हैं ना नमक, तो उस नमक के पैकेट पर लिखा रहता है शुद्ध नमक, ठीक है ना। घी खरीदने के लिए जाते हैं तो घी के डब्बे में, जिस डब्बे में घी रखा हुआ रहता है, तो उस पर लिखा रहता है क्या चीज, शुद्ध घी, ठीक है ना। दूध का पैकेट हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या लिखा रहता है, शुद्ध दूध, ठीक है ना। तो अब आप बताइए, एक अनपढ़, एक जो भी माने बिल्कुल जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे होकर के बोलेंगे कि हाँ इस पैकेट पर लिखा है शुद्ध नमक, तो शुद्ध का मतलब वो यही समझेगा कि वाकई इसमें कोई मिलावटी नहीं है, यानी ये दो नंबर नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या, शुद्ध का अर्थ क्या है, अगर शुद्ध का अपन देसी भाषा में समझे तो शुद्ध का मतलब हुआ यानी उसमें कोई मिलावटी नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग समझते हैं कि वो शुद्ध है, लेकिन अगर बात करें शुद्धता के हिसाब से कि क्या वो शुद्ध है जो नमक पर, जिस नमक के पैकेट पर लिखा रहता है शुद्ध नमक, शुद्ध घी, घी वाले डब्बे पर लिखा रहता है शुद्ध घी, दूध वाले डब्बे पर लिखा रहता है शुद्ध दूध, या कोई भी जैसे हॉर्लिक्स खरीदने के लिए जाते हैं तो लिखता है शुद्ध हॉर्लिक्स, ठीक है ना। या कोई प्रोटीन का डब्बा खरीदने के लिए जाते हैं अपने शरीर को थोड़ा सा डेवलपमेंट के लिए, तो प्रोटीन के डब्बा पर क्या लिखा रहता है, शुद्ध प्रोटीन, ठीक है ना। या कोई विटामिन का टैबलेट वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, या कोई मान लेते हैं कि कोई भी चीज सप्लीमेंट के तौर पर कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस पर लिखा रहता है शुद्ध, यानी पहले ही लिखा रहता है 100% शुद्ध। तो क्या वो शुद्ध है, नहीं। देखिए, यहां पर हम बात करते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, मैं अपने तरफ से बनाकर इस बात को नहीं बोल रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी बुक में खुद वैज्ञानिक ने इस बात को किस तरीके से एक्सप्लेन किया उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से मतलब क्या, माने वैज्ञानिकों ने जो उसको निचोड़ किया और जो सत्यता की जांच की उसके आधार पर, ठीक है ना, एक शुद्ध पदार्थ का अर्थ है कि पदार्थ एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हो, तब हम समझे कि वह एक शुद्ध पदार्थ है। नहीं समझे आपने, देखिए फिर से समझिए। जैसे मान लेते हैं नमक है, तो सोडियम और क्लोरीन के मिलने से, ठीक है ना, नमक बनता है, ठीक है ना। तो सोडियम क्या है, सिर्फ सोडियम शुद्ध है, सिर्फ क्लोरीन शुद्ध है, ना कि सोडियम और क्लोरीन दो आपस में मिलने से वो शुद्ध है, नहीं, ठीक है। यानी कि सोडियम क्या है, शुद्ध है, क्लोरीन, यानी कि सोडियम में सिर्फ सोडियम के कण ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर नमक की बात करें तो सोडियम का कण और क्लोरीन का कण, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। मैं मानता हूं कि दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से कोई पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है ना, हम लोग आगे पढ़ने वाले भी हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि तत्व कोई चीज है जो जिसके दो मिलने से क्या होता है, किसी पदार्थ की उत्पत्ति होती है। एनीवे, मान लेते हैं कि सोडियम है और यहाँ क्लोरीन, यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि सोडियम है और क्लोरीन है, ये दोनों के मिलने से नमक बन गया, ठीक है ना, नमक बन गया। तो भले ही नमक
अपने आप में एक शुद्धता की आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान दे रहा है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह शुद्ध नमक नहीं है। इसमें दो किस्म के कण मौजूद है, यानी सोडियम के कण है और क्लोरीन के कण मौजूद है, इसलिए यह शुद्ध नहीं है। हां, यह दूसरी लाइन में जो बात वैज्ञानिक बोला है, वैज्ञानिक दृष्टि से अपने चारों ओर के सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिल रहे हैं। हाँ, यहां पर देखिए, जरा गौर कीजिएगा, ये जो शुद्ध अवयव है ना, प्योर इंग्रेडिएंट्स, देखिए इंग्रेडिएंट्स के मिलने से कोई भी मैटर तैयार होता है, ठीक है ना। क्लास 6-7 में आप लोग पढ़े होंगे या 8 में पढ़े होंगे, एनसीईआरटी के जो बुक साइंस का चलता है उसमें दिया रहता है, इंग्रेडिएंट से मैटर तैयार होता है, यानी कोई भी पदार्थ छोटे छोटे इंग्रेडिएंट से मिलकर बने होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है, यहां पर देखिए, शुद्ध अवयव के मिलने से बने होते हैं। इसका मतलब कि सोडियम क्या है, एक अवयव है, ठीक है ना, यानी इंग्रेडिएंट है। क्लोरीन क्या है, इंग्रेडिएंट है। इट्स मीन दैट कि सोडियम और क्लोरीन ये दो अवयव है, ठीक है ना, अवयव, ठीक है ना, सोडियम और क्लोरीन दो अवयव है, यानी दो इंग्रेडिएंट्स है। देयर आर टू इंग्रेडिएंट्स इन द साल्ट, यानी साल्ट के अंदर दो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, सोडियम और क्लोरीन। अर्थात सोडियम और क्लोरीन को हम कह सकते हैं कि सोडियम अपने आप में शुद्ध तत्व है, क्लोरीन अपने आप में एक शुद्ध तत्व है, ठीक है ना। और इन्हीं शुद्ध अवयवों से एक नमक तैयार हुआ है, जिसे हम कहेंगे कि ये मिलावटी है, सोडियम और क्लोरीन के ये शुद्ध नहीं है, लेकिन शुद्ध अवयव से नमक जरूर तैयार हुआ है, ठीक है ना। अब इस दृष्टि से हम लोग कहते हैं कि ये 100% शुद्ध है। चलिए अब यहां देखिए, ठीक है, मानते हैं कि सोडियम और क्लोरीन के मिलने से क्या है, नमक तैयार हुआ है, यानी शुद्ध अवयव के मिलने से नमक तैयार हो गया। अर्थात नमक के पैकेट पर इसी सोच और विचार से कोई भी कंपनी क्या लिखता है कि यह शुद्ध नमक है। क्यों? क्योंकि शुद्ध अवयव से मिलकर बना है, तो शुद्ध नमक तो लिखेगा ही लिखेगा। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दूध की बात करें, तो प्रोटीन वसा और जल का कॉम्बिनेशन होता है, तो प्रोटीन का कण अलग व्यवहार करेगा, जल का कण अलग, ठीक है ना। अब देखिए ना, जैसे मानते हैं जल की बात करें तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या है, कॉम्बिनेशन से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो शुद्ध अवयव है, ठीक है ना, तो जल बन गया। लेकिन अगर जल की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टि से वो शुद्ध नहीं है, शुद्ध तो वो है जो हाइड्रोजन है, शुद्ध तो वो है जो ऑक्सीजन है। जो देखिए हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक तत्व है, तो हाइड्रोजन अपने आप में चाहे कितना भी हाइड्रोजन, माने 1000 हाइड्रोजन इकट्ठा कर दीजिए, 1000 ऑक्सीजन के कण को इकट्ठा कर दीजिए, ठीक है ना, या फिर मान लेते हैं 1000 सोडियम इकट्ठा कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, छोटे छोटे कणों से मिल करके मान लीजिए पदार्थों की उत्पत्ति होती है। एनीवे, अगर 1000 हाइड्रोजन 1000 सोडियम अगर इकट्ठा कर दीजिए, तो सिर्फ सोडियम के कण मौजूद है, उसमें एक भी कोई दूसरा तत्व मौजूद नहीं है, तो सोडियम के सारे कण शुद्ध कहलाएंगे, वो शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाता है, H2 बनाता है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, ये एक शुद्ध है, ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन मिल गया तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये एक अशुद्ध है, ठीक है ना, लेकिन इसमें शुद्ध अवयव शामिल है, दो इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है ना। तो यहां हमारा कहना यह था, ठीक है, कि शुद्ध अवयव से मिलकर बने पदार्थ को कंपनियां क्या समझती है कि हाँ, शुद्ध अवयव से मिलकर जो हमने माने जो भी कंपाउंड तैयार किया है, जो भी यौगिक तैयार किया, जो भी पदार्थ हमने तैयार किया है, इसलिए उस दृष्टिकोण से, उस हिसाब से वो लोग क्या लिखता है कि ये शुद्ध नमक है, ये शुद्ध दूध है, ठीक है ना। एनीवे, अब बात करते हैं कि मिलावटी है तो मिश्रण है, यानी मिलावटी को हम लोग मिश्रण कहते हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग मिश्रण कहते हैं। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व, समझना ना, तत्व के मिलने से क्या बनता है, यौगिक बनता है, तत्व के मिलने से पदार्थ बनता है। तो शुद्ध तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है, का मिलना मिश्रण कहलाता है, अर्थात यह एक शुद्ध पदार्थ है। देखा ना, वैज्ञानिक ने भी इस बात को कह दिया है, और इसी दृष्टिकोण से सारे कंपनियां वाले क्या लिखते हैं कि यह शुद्ध नमक है और यह शुद्ध दूध है, शुद्ध घी है, शुद्ध प्रोटीन है, शुद्ध सप्लीमेंट है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जैसे कि वैज्ञानिक ने जो अपना परिभाषा दिया, ठीक है ना, शुद्धता के तौर पर, कि शुद्ध तत्व या शुद्ध यौगिक, ठीक है ना, का मिलना मिश्रण कहलाता है। और वो मिश्रण, जैसे कि मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन शुद्ध दो अवयव है जिसके मिलने से नमक तैयार होता है, एनीवे, तो वो शुद्ध नमक कहला सकता है। क्यों? क्योंकि भले ही अगर देखा जाए तो इसमें एक समान कण नहीं है, सोडियम का अलग
व्यवहार करने वाला कण है, क्लोरीन का कण अलग व्यवहार करने वाला है। तो दो अवयवों के मिलने से भले ही नमक तैयार हो गया, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भले ही अशुद्ध है, लेकिन इसको शुद्ध इसलिए माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर उसने क्या परिभाषा दिया कि शुद्ध तत्व और यौगिकों के मिलना मतलब मिश्रण है, लेकिन वह एक शुद्ध पदार्थ भी है। ठीक है, इसलिए कोई भी कंपनी वाला क्या करता है, लिखता है कि यह शुद्ध नमक है, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध सप्लीमेंट। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ नोटेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा। अवयव के प्रकृति के अनुसार मिश्रण के विभिन्न प्रकार होते हैं। देखा, यहाँ देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी इंग्रेडिएंट्स जब आपस में मिलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जैसे सपोज अगर हम सोडियम है और क्लोरीन है, मिलने से भले ही नमक तैयार हो गया, लेकिन सोडियम के कण जो है ना कुछ अलग व्यवहार करते हैं और क्लोरीन के कण कुछ अलग व्यवहार करते हैं। इसलिए यहाँ नोटेशन में क्या लिखा गया है कि अवयव के प्रकृति के अनुसार मिश्रण के विभिन्न प्रकार हैं। तो यहाँ तक आप लीजिए स्क्रीनशॉट और देखते हैं कि मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। तो लीजिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट। तो अब यहाँ हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है अवयव इंग्रेडिएंट्स की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रण का निर्माण होता है। देखिए, जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं, दो इंग्रेडिएंट्स मिलाकर या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स यानी अवयव मिला करके जो हम लोग पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीके का मिश्रण तैयार होता है। देखिए, हम लोग विलयन के तौर पर हम लोग देखते हैं कि जो मिश्रण होता है ना वो दो प्रकार के होता है, जैसे कि एक सामांगी होता है और एक विषमांगी। सामांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के अंतर को समझने के लिए एक ट्रिक से आप समझ सकते हैं कैसे। देखिए, सामांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिसकी बनावट उसकी संरचना में परिवर्तन ना दिखे, ठीक है ना। जैसे जल और नमक को मिलाएगा ना, यानी जल में नमक जब मिलाइएगा तो आपको लगेगा कि इसमें नमक नहीं मिला हुआ है, मतलब आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे जब तक कि उसको पीकर नहीं देखेंगे, यानी जब तक नहीं पीते तक। अच्छा, मान लीजिएगा अगर जब आप पी लेंगे तो आपको तो मालूम चल ही जाएगा कि इसमें नमक की मात्रा है, जल में नमक की मात्रा है। या फिर जल में अगर आप चीनी मिलाते हैं तो सीधी सी बात है कि जब आप पियेंगे तो मालूम चलेगा कि ये मीठा, इसका मतलब इसमें इस जल में चीनी मिलाया गया है यानी मीठा लग रहा है। तो इसे तो अंदाजा लगा ही लेंगे, लेकिन एनीवे अगर हम एक गिलास लेते हैं, सपोज मान लीजिए एक गिलास लेते हैं, ठीक है ना, इसमें हम पानी भरे हुए हैं और इसमें हमने क्या किया, नमक डाल दिया, तो क्या हम दूर से पूछेंगे कि बताओ तो इस पानी को अभी देखा, कुछ देर बाद हमने बोला कि 5 मिनट के लिए अपनी आँखें बंद करो और हम इसमें नमक मिला दें और बोले क्या बताओ तो इसमें कुछ मिलाया गया है, तो सामने वाला व्यक्ति डायरेक्ट एकदम प्रत्यक्ष रूप से कहेगा कि नहीं, इसमें कुछ नहीं मिलाया गया। क्यों? क्योंकि उसका रंग जो पहले था नमक मिलाने से पहले, नमक मिलाने के बाद भी वही रंग का दिख रहा है, इसका मतलब कि यह एक सामांगी मिश्रण है, ठीक है ना। यानी रंग में और उसका मतलब कोई भी बनावट में परिवर्तन नहीं दिखा, इसका कोई रंग रूप में परिवर्तन नहीं दिखा, इट्स मीन दैट कि यह एक होमोजीनियस मिक्सर है। होमोजीनियस बोले तो यानी अपनापन दिखाने लगा, यानी कि नमक और जल मिलने के बाद वो लोग ऐसा मिला जैसे लगा कि दो जिस्म एक जान, यानी कि दोनों का अलग व्यवहार नहीं दिखा। भले ही अंदर से वो अलग व्यवहार करके आपस में मिले जुले हुए अलग बात है, उसका हम लोग जब पुनरावलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, प्रैक्टिकल के माध्यम से अलग करने की कोशिश करेंगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दूर से तो हमें यही ना मालूम चल रहा है कि ये दो जिस्म एक जान है, हमें तो यही ना मालूम चल रहा है कि इसका नेचर, इसका प्रकृति, इसका जो भी ढांचा, इसकी जो भी बनावट है एकदम बिल्कुल एक है, बिल्कुल जल ही है हम लोग ये। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि इसमें नमक है जब तक हम लोग पियेंगे नहीं, या फिर अगर हम लोग इसमें चीनी मिला दें, ठीक है ना, तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि इसमें चीनी मिला हुआ है जब तक कि हम लोग पी कर टेस्ट ना करेंगे। एनीवे, तो ये कहलाएगा क्या चीज़, अगर नमक हो या चीनी हो अगर जल में मिल जाए तो मिलने के बाद इसकी बनावट और उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं दिखे, वो है आपका होमोजीनियस मिक्स, बोले तो सामांगी मिश्रण कहलाता है। यहाँ पर देख लीजिए उदाहरण लिख भी दिए, जल और नमक को मिला लीजिए, जल और चीनी को मिला। अब यहाँ देखिए विषमांगी मिश्रण क्या होता है, हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। देखिए होम से याद रखिएगा, जिसमें अपनापन होती है, यानी होम को कितने लोग कहते हैं कि ना ये तो मेरा बेटा है, बिल्कुल मेरा बेटा है, तो समझिएगा कि यानी इसमें अपनापन यानी एक सामांगी रिश्ता है, ठीक है ना, इसमें कोई मतभेद नहीं है, यानी जिसमें कोई मतभेद नहीं होता है, बिल्कुल अपनापन दिखाया जाता है, जैसे कि चीनी और नमक मिल करके बिल्कुल एक जैसा दिखने लगा, एक यूनिफिकेशन में दिखने लगा। इन द सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि जो बाप अपने बेटे को देखता है तो बोलता नहीं ये मेरा बेटा है, सच में उसका बेटा होता है और कहता है कि ये मेरा बेटा है, किसी और के बेटा को नहीं कहता है, मतलब अपना ही बेटा को कहते हैं ये मेरा। इसका मतलब कि घर एक परिवार जो होता है ना उसमें जितने भी सदस्य होते हैं उसमें अपनापन दिखता है, इसका मतलब कि वो एक यूनिट में दिखते हैं, एक मतलब क्या बोलते हैं, एक एक फैमिली दिखता है,
ठीक है ना, एक यूनिटी दिखती है, मतलब कि उसमें एकता दिखती है और एक तरह का व्यवहार दिखता है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्स, यानी कि समांगी मिश्रण, जिसमें एक तरह की बनावट और संरचना दिखाई दे, उसमें कोई परिवर्तन ना दिखे दूर से, ठीक है ना। लेकिन विषमांगी मिश्रण के साथ क्या तरह, हेट्रो, हेट्रो मतलब नफरत, यानी एक अवयव दूसरे अवयव के साथ मिलेगा, मीन्स बोले तो एक इंग्रेडिएंट्स दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलेगा तो एक दूसरे से नफरत करेगा, यानी वो मिलने की कभी कोशिश ही नहीं करेगा। अर्थात हम दूर से भी रह करके हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं क्या कि ये दो पदार्थ आपस में भले ही एक साथ है लेकिन मिले हुए नहीं है। इसका मतलब जैसे देखिए, जल में अगर तेल मिला दोगे ना तो जल और तेल अलग अलग व्यवहार करता हुआ दिखाई देगा, वो होगा एक विषमांगी मिश्रण। जल में अगर बालू मिला दीजिए ना तो बालू अलग दिखेगा, जल अलग दिखेगा, ये क्या है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्स का एग्जाम्पल है या एक विषमांगी मिश्रण है। बातें क्लियर हो गई, तो यहां तक तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग जो समझने वाले हैं वो देखेंगे कि मान लेते हैं कि दो अवयव के मिलने से क्या होता है, मिश्रण तैयार होता है। तो अगर बात करते हैं समांगी मिश्रण की और विषमांगी मिश्रण की, तो डिपेंड करता है उसके कणों के आधार, ठीक है ना। अब देखिए क्या, जो मिश्रण तैयार होता है ना, मिश्रण से जो विलयन तैयार होता है, ठीक है ना, विलयन तैयार होता है, तो देखो होता क्या है ना कि कणों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं ना, समांगी और विषमांगी मिश्रण का जो है ना उसको हम लोग नाम देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर जिसका कण छोटा है वो समांगी की तरफ प्रतीत होता है, बट समांगी नहीं है, कि समांगी है कि विषमांगी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे विलयन, ठीक है ना, उसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलाइड, ठीक है ना, कोलाइडल, उसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं निलंबन, ठीक है ना, निलंबन। यानी कि ये तीन चीज़ें जो मिश्रण के दौरान तैयार होता है, और ये तीनों क्या है, तरल पदार्थ हैं, क्या है, तरल पदार्थ है, जो हम लोग इसके बाद, अभी यहाँ तक लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विलयन क्या है, कोलाइडल विलयन क्या है और निलंबन विलयन क्या है, और हालांकि ये दोनों मिश्रण से ही तैयार होते हैं। तो लीजिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट। तो अब जो हम लोग आगे नेक्स्ट जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है कि विलयन और विलयन की सांद्रता, निलंबन और कोलाइडल मिश्रण। देखिए हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जो हमने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला, जैसे कि था समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, तो देखिए दो अवयव यानी कि दो इंग्रेडिएंट्स के मिलने से एक मिश्रण तैयार होता है, लेकिन तरल जो भी मिश्रण तैयार होता है उसको हम लोग पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से तीन तरह से बांटे हैं। देखिए साइज ऑफ पार्टिकल के हिसाब से विलयन, निलंबन और कोलाइडल मिश्रण, ठीक है ना, यानी ये विलयन, निलंबन और कोलाइडल के हिसाब से तीन हिस्सों में हम लोगों ने बांटा है। और चलिए इसको बारी बारी से समझते हैं। देखिए विलयन क्या है, विलयन, हालांकि ये चाहिए चाहिए, ये तीनों क्या है, दो या दो से अधिक अवयव के मिलने का एक मिश्रण है, ठीक है ना, और ये क्या है, एक तरल पदार्थ है। तो हम लोग देखते हैं विलयन, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण मतलब जो हमने पहले बताया, जिसमें बिल्कुल उसकी बनावट में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, उसके रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, हम लोग कहते हैं वो समांगी मिश्रण है, ठीक है ना। तो समांगी मिश्रण हम मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि समांगी मिश्रण क्या है। तो यहाँ पर देखिए विलयन जो दो या दो से अधिक, चाहे कितना भी अधिक, ठीक है ना, पदार्थ माने शुद्ध अवयव का मिश्रण हो, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। और समांगी मिश्रण में बनावट और उसकी रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, तो हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि यह एक समांगी मिश्रण है, अर्थात डैट इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्स। अब देखिए विलयन के दो भागों अर्थात विलय और विलायक में बांट सकते हैं। देखिए विलयन को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। ऐसे तो हम लोग साइज ऑफ पार्टिकल के हिसाब से हम लोग तरल पदार्थ को तीन हिस्सों में बांटा, विलयन, निलंबन और कोलाइडल, ठीक है ना। दो या दो से अधिक माने पदार्थों के मिलने से हम लोग क्या करते हैं, मतलब तरल पदार्थ अगर तैयार भी करते हैं तो उसको हम लोगों ने कितने हिस्सों में बांटा, तीन हिस्सों में बांटा, और उसका नाम हमने क्या रखा, विलयन, कोलाइडल और निलंबन, और साइज ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से हम लोगों ने बांटा। लेकिन अगर विलयन की बात करें तो यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, बिल्कुल इसकी बनावट और रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, तो हम लोग कहते हैं कि इनफैक्ट यह समांगी मिश्रण है, अर्थात होमोजीनियस है। लेकिन इस विलयन को भी हम लोग दो, ठीक है ना, भागों में बांट सकते हैं, विलय और विलायक। देखिए सबसे पहला बात, जैसे अगर जल और नमक की बात करें, या फिर जल
और चीनी की बात करें, सॉरी चीनी की बात करें, तो देखिए जल क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। विलायक, विलायक क्या है? जो अपने में घोल रहा है, ठीक है ना। ये विलायक हो गया, यानी इसमें खलनायकी का काम कौन कर रहा है? खलनायक से विलायक याद रखिएगा। जल, जल क्या कर रहा है? नमक को मजबूर कर रहा है कि तुम मेरे में आकर घुलो, ठीक है ना। तो जल क्या हो गया? विलायक हो गया। और विलय कौन हो गया? विलय कौन हो गया, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि तुम डर से बिल्ली बन गए, ठीक है ना। मैं इतना बड़ा खलनायक हूँ कि तुम डर से बिल्ली बन गए, इसका मतलब कि तुम हमारे, तुम डर करके मेरे अनुसार काम करने लगे। इट्स मीन डैट यहाँ पर जल क्या है? विलायक है, यानी जिसमें अगर घुल रहा है, ठीक है ना, जिसमें घुल रहा है वो विलायक हो जाएगा, जो घुल रहा है वो विलय हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए फिर से समझिए, जल क्या है? देखिए जल और नमक में, जल जो होता है ना उसमें हम लोग नमक डालते हैं तो नमक जाकर के उसमें घुल जाता है, ठीक है ना। तो जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। और नमक क्या हो जाएगा? विलय। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जल है और चीनी हम लोग मिलाते हैं तो चीनी क्या हो जाता है? जाकर चीनी जाकर के घुल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जल क्या हो गया? आपका विलायक हो गया। और चीनी क्या हो गया? विलय हो गया। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पर विलयन की सांद्रता क्या कहलाती है? तो विलय और विलायक की मात्रा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है ना। एनीवे अब हम लोग देखते हैं निलंबन क्या है। विलयन तो हम लोग समझ गए, विलयन की सांद्रता कैसे निकाला जाता है, तो विलय और विलायक की अनुपात की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता, और उसे हम लोग याद कर लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं निलंबन, यानी जो हम लोग तरल पदार्थ का पहला रूप पढ़े विलयन, अब उसका दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निलंबन क्या है। तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी बोले तो माने इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोजीनियस, जो अपने में दूसरे को मिलने नहीं देता है, ठीक है ना। और समांगी के साथ क्या होता था कि दो अवयव यानी दो इंग्रेडिएंट्स या दो से अधिक जब हम लोग मिलाते थे तो ऐसा मिलता जैसे लगता ही नहीं था कि इसमें दो तीन पदार्थ आपस में मिला हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हेट्रोजीनियस के साथ क्या होता है कि जब दो पदार्थ को मिला दीजिएगा ना तो दोनों अलग अलग व्यवहार दिखाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये दो अलग अलग इसमें पदार्थ मौजूद हैं, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर निश्चित तौर पर यही बात कहेंगे कि यह एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है, ठीक है ना। तो यह एक विषमांगी मिश्रण होता है निलंबन। हालांकि ये क्या है, इसके कणों को आप आँखों से देख सकते हैं, लेकिन समांगी मिश्रण के जो कण होते हैं ना उसको आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। कोलाइडल मिश्रण की बात करें तो यह समांगी प्रतीत होता है, बिल्कुल समांगी प्रतीत होता है, लेकिन यह विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे दूध। अब दूध में प्रोटीन, वसा और मान लेते हैं जल का जो है ना, तीन कॉम्बिनेशन से दूध बनता है, ठीक है ना, जो प्राकृतिक है। एक तरीका से देखा जाए तो वो प्राकृतिक है, लेकिन रसायन शास्त्र के हिसाब से माने रसायनज्ञ विज्ञानी के हिसाब से दूध क्या है? मिलावटी है, ठीक है ना। मैंने रसायन के दृष्टिकोण से, रासायनिक विज्ञानी के दृष्टिकोण से दूध क्या है, क्योंकि दूध में प्रोटीन, वसा और जल का कॉम्बिनेशन है, तो दूध उन लोगों के हिसाब से शुद्ध नहीं है। लेकिन शुद्ध तब है क्योंकि वो शुद्ध अवयव से मिलकर के बने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए शुद्ध दूध है, लेकिन अगर रसायन के हिसाब से देखा जाए तो दूध भी शुद्ध नहीं है, ठीक है, रसायन का कहना है, तो समझ जाइए, ठीक है ना। तो ये समांगी मिश्रण की तरह प्रतीत होता है लेकिन समांगी नहीं है, यह एक विषमांगी है, इसलिए हमने यहां पर दूध का एग्जांपल दे दिया। अब देखिए, अब बात आती है कि साइज ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से जब हमने तरल पदार्थ को तीन हिस्सों में बांटा, जैसे कि विलयन, निलंबन, कोलाइड, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे और कैसे याद करेंगे कि निलंबन, ठीक है ना, कोलाइडल और विलयन कि मैंने हम लोग कैसे पहचान करें, कैसे उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर एक ट्रिक तैयार किए हैं, जैसे किसमें कितना छोटा और बड़ा कण, ठीक है ना। तो इसको याद करने के लिए, जैसे मान लिए विलयन दे दिया, कोलाइडल दे दिया और निलंबन, तो इसको याद करने के लिए हमने जो ट्रिक तैयार किया है उसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि आप इसी ट्रिक के माध्यम से इसके अंतरों को लिख सकते हैं। और आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव अगर इससे पूछता है, ठीक है ना, कि कोलाइडल की अपेक्षा विलयन का कण कितना छोटा होता है या कितना बड़ा होता है, या विलयन का कण निलंबन की अपेक्षा कितना छोटा और कितना बड़ा होता है, तो आप 100% सही टिक मार करके आएंगे। तो देखिए वो ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक, विल का कॉलोनी नीला है। विल का कॉलोनी नीला है मतलब, विल मतलब विलयन, विलयन का कण बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब आप एक गिलास पानी लेते हैं तो कणों से मिलकर के क्या होता है ना, पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल तैयार हो गया, तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आप कण को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब कि वो क्या है, वो जो विलयन है, वो जो जल है, वो है जो एक समांगी है, ठीक है ना, समांगी मिश्रण है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन का एक क्या है,
कंपाउंड है जो आप उसके कणों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो व्हील से विलयन जो सबसे छोटा कण होता है, उसके बाद से व्हील का कोल, तो कोल से हो गया कोलाइडल, ठीक है ना। तो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन समांगी की तरह प्रतीत होता है, लेकिन समांगी मिश्रण नहीं होता है, वो विषमांगी होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कोलाइडल। तो देखिए व्हील का कोलोनी नीला है, तो कोल से हो गया कोलाइडल। अब बात करते हैं निलंबन, तो नील से निलंबन हम लोग कहेंगे, तो निलंबन का कण अब इससे थोड़ा सा बड़ा। अब मान लीजिए सपोज देखिए यहाँ पर विलयन का थोड़ा सा अगर हम बड़ा करके कण को दिखाएं तो इतना हो गया, ठीक है, लेकिन कोलाइडल को दिखाएं तो थोड़ा इतना हो गया, निलंबन का दिखाएं तो थोड़ा इतना हो गया। देख पा रहे हैं एग्जाम्पल को, आप फिर से देख लीजिए। देखिए विलयन, कोलाइडल, निलंबन, ये तीन तरल पदार्थ जो साइज ऑफ पार्टिकल के हिसाब से अलग अलग दिखाया गया है, विलयन, कोलाइडल, निलंबन, ये तीनों दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का मिश्रण होता है, और हम लोग साइज ऑफ पार्टिकल के हिसाब से हम लोग उसका नामकरण करते हैं कि कौन विलयन कहलाएगा, कौन कोलाइडल मिश्रण कहलाएगा और कौन निलंबन मिश्रण कहलाएगा, ठीक है ना। तो विलयन का कण ऐसा मिश्रण जिसका कण हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो काफी अति सूक्ष्म होता है, ठीक है ना। तो वो हो गया विलयन, और उसको हम लोग कहेंगे सबसे छोटा अति सूक्ष्म वाला तरल घोल विलयन, ठीक है ना। उससे थोड़ा सा अगर बड़ा होता है तो वो कोलाइडल हो जाएगा, ठीक है ना, जो समांगी प्रतीत होता है, अदरवाइज समांगी प्रतीत होता है लेकिन वो विषमांगी होता है, और निलंबन ये भी विषमांगी ही होता है लेकिन इसका कण हमें आंखों से दिखाई दे देता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आई होप। अगर इससे रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।